दुनिया में कम ही लोग हैं जो हुकूमत, रियासत और इख्तदार के अपने दौर में इल्म, अदब, तहजीब व तमद्दुन और फ़नून लतीफ़ा में यकता हूँ। राजा साहब महमूदाबाद मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जिनमें इल्म, अदब, तहजीब व तमद्दुन और दुनिया के कई उलूम पोशीदा हैं। वो जब गुफ्तगू करते हैं तो ज़बान और बयान के आला मदारिज पर फायज़ नज़र आते हैं। शाहनामा ने राजा साहब महमूदाबाद से गैर सियासी गुफ्तगू की जो माजी का सरमाया है। दौरान गुफ्तगू राजा साहब ने अपने बचपन और जवानी के इन चंद दिलचस्प वाक़ात का जिक्र किया जो यकीनन आप सबकी दिलचस्पी का सबब बनेंगे। जो चीज जिससे मुझे बहुत मुझ पर असर होता था उसकी इजाजत नहीं थी। क्लासिकल म्यूजिक तो जो है उसकी इजाजत यानी खास तौर से नहीं दी जाती थी, मगर वो बर्दाश्त किया जाता था कि हाँ भाई चलो क्लासिकल म्यूजिक है वो हो जाए, उसमें ठुमरी वगैरह नहीं तसव्वुर की जाती थी कि क्लासिक को दादरा नहीं। अब ख्याल तो बच्चा या जवान आदमी ख्याल वगैरह तो बहुत हम तो नहीं सुनते थे, साफ कह रहे हैं वो सब तारीफ करते थे नहीं सुन, तो हिंदुस्तानी मौसीकी के ख्याल वाल तो सुनते, अंग्रेजी के बेथोवन मोट्सार्ट ये रिप्रोडक्शंस अच्छे नहीं थे, दे वर नॉट गुड रिप्रोडक्शन। व्हाट आई डिड जो हम एक बात करते थे वो छिप के कहीं, हमारे पास एक ट्रांजिस्टर हमको दिया गया था और हमसे ये वादा लिया गया था कि हम उस पर ऐसे वैसे गाने बातें नहीं सुने, वो वादा हमने पूरा नहीं किया और हम छिप के बिना का गीत माला और विविध भारती सुनते थे। ये वादा आपकी वालिदा ने आपसे लिया था? जी, मेरी वालिदा ने ये वादा किया था, लिया था, और बिना का गीत माला और विविध भारती ये हम पाबंदी के साथ सुनते थे, और जिस वक्त मुअय्यन था वक्त उनका उससे 15-20 मिनट पहले सब इंतजाम कर लेते थे कि कोई हमको आके खलल न डाले बार बार। उसमें बहुत से गीत पसंद आते थे, बहुत से नहीं आते थे, मुझे याद नहीं है। देखिए मैं 14-13 वर्ष का था। अब देखिए चूंकि क्लासिकल का था तो फौरन जो याद आया है वो एक अनुराधा फिल्म थी, उसमें एक गाना था जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां, मैं तो हूं जागी मोरी सो गई अखियां। ये एक चीज थी और मुख्तलिफ गाने थे, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे हैं। जो मैं होती राजा मन में क्या तोरे बंगले पर, हाँ वो अब पूरा याद नहीं आ रहा, वही नजर लागी राजा तोरे, हाँ नजर लागी राजा तोरे, ये हम पढ़ते थे, ये सुनते थे, और जब सुन एक मंजिल वो आई कि हिम्मत बढ़ी तो अपनी वालिदा की सेक्रेटरी जो बहुत ही मुमताज अच्छे अदीब घराने की थी माजिदा बेगम साहब, उनके सामने हम ये जाके गाते थे और वो उस पर शर्माती थी और झेपती थी, ये हमें याद है खूब। मूवीज का किस्सा ये है कि अंग्रेजी मूवीज वो प्रेफर्ड, क्यों मैं नहीं जानता हूं, मगर अंग्रेजी मैं देखता था और मेरे जो अतालीक रजा हुसैन मुर्तजा हुसैन साहब लल्लन साहब वो मेरे साथ जाते थे हर जगह, मैं अकेला नहीं जा सकता था, वो अंग्रेजी समझते नहीं थे, बैठ के वो देखा करते थे, और अगर वो ऐसी होती थी कोई फिल्म के मेफेयर कैपिटल बाद में ओडियन
पहले नहीं नहीं बाकायदा बाकायदा मेरे मेंटर ऐसे जाते वाला गाड़ी लगती थी मैं जाता था तो बहुत सी फिल्में देखते थे। हिंदुस्तानी फिल्मों की इजाजत नहीं थी, आज तक समझ में नहीं आया। मेरा ख्याल यह है कि मेरे जो अतालीक थे उनको हिंदुस्तानी फिल्मों की नौइयत पर एतराज था, यानी उनका ख्याल ये था कि ये ना अदबी तौर से किसी काम की है, ना ये इनमें कोई ऐसा सबा कामोस चीज, ये सब वो देखा करते थे मेरे लिए, ना ऐसी कोई क्लासिकल सुन्नती चीज, ये कोई किताब है जिसको ये किया है वगैरह वगैरह। तो ये ओके। अब एक फिल्म दो फिल्में मुझे याद है जो मैं गया, एक बहुत बाद में, एक उससे पहले, एक मिर्जा गालिब जिसमें सुरैया थी और भारत भूषण शायद वही थे, मुझे याद आए। अब उसमें मिर्जा गालिब की जिंदगी, अच्छा गालिब के अशार बचपने से कानों में पड़े हुए थे, ललन साहब को दसियों हजार नहीं तो इससे भी ज्यादा अशार याद थे, उर्दू के भी फारसी के, और बहुत मुनासिब मौके से पढ़ते थे वो, यूं नहीं पढ़ते थे, कोई कह दे वो यूं नहीं पढ़ते थे, ये पढ़ दीजिए, उनका नहीं, ये कोई परफॉर्मेंस है, तमाशा है, नहीं, मौका होता था पढ़ते थे, चुभता हुआ शेर पढ़ते थे वगैरह वगैरह, तो सब कान में पड़े हुए थे। अब जब मैं देखने गया तो मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं फिर जाऊंगा देखने उसको। मैंने घर पर आके सुरैया की बहुत तारीफ की, मेरे अतालीक की वहशत हुई, इन्हीं तारीफ क्यों कोई खत खैर। दूसरी बार मैं देखे, मैंने तीसरी बार जब देखने की ख्वाहिश की, दूसरी बार तो देख आया, तो उन्होंने कहा नहीं मुनासिब नहीं है जाना, और देखिए वो बिल्कुल ही वो गालिब तो है नहीं, वो है नहीं, किस किस्म का फिल्म नहीं, नायद मोहम्मद ये है वो है, कुछ नहीं, उन्होंने पूरी फिल्म को रद्द कर दिया, हम गए नहीं देखे। मगर उसके गाने हमें याद है, क्योंकि वो गजलें थी, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर उस दर्द की दवा क्या, वगैरह वगैरह जो बहुत से थे, हम मुश्ताक उधर से आवाज आती हो, तुम बेजारा या इलाही ये माजरा क्या वगैरह, तो ये सब सुनते थे। लता मंगेशकर की आवाज बहुत पसंद थी, आशा भोसले की उससे ज्यादा पसंद थी, क्योंकि लता मंगेशकर की आवाज में एक जरा बहुत ज्यादा निस्वानियत है, और आशा भोसले की आवाज दरमियानी आवाज है, उसमें बैस जो है वो भारीपन जो है वो जो भी कहते हैं वो ज्यादा है, मुझे बहुत पसंद थी। मोहम्मद रफी मुझे बहुत पसंद थे, तलत महमूद इतने नहीं थे। मेरी वालिदा कभी कभी पूरे घर को फिल्म दिखवाती थी, 10 कमांडमेंट्स आए तो यहां से तकरीबन 100-125 आदमी देख ली गया। टिकट टिकट खरीदे गए वो लोग अपने सवारी से गए, और 10 कमांडमेंट्स क्योंकि हजरत मूसा की फिल्म देखने गए। जी चार्ल्टन हेस्टन बना था, ऐसा नहीं स्टाफ, कुछ फैमिली था, कुछ बहुत थोड़ी सी, बाकी सब स्टाफ, बन ठन के गए। इसी तरह से बेन हुर जब आई तब सब देखने गए, उसके बाद मुगले आजम आई। अरे साहब मुगले आजम का आना क्या था कि कयामत थी, कि लोगों की जिंदगियां बदल गई, और यहां तक बदली कि हमारे बुजुर्ग एक हैं, हम नाम नहीं ले सकते,
बहुत हम उनसे मोहब्बत करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, उस दुनिया में नहीं। उनको बड़े सुखन फहम पजल संच नुक्तरस बहुत ही जबान के, और क्या कहना। अब मैं इससे ज्यादा कहूंगी तो बात खुल जाएगी। मेरी फैमिली के नहीं थे मगर मिसल फैमिली के थे, मेरे खानदान के। तो जानते थे कि मैं उम्र मेरी 15-16 साल। तो कुछ किसी का जिक्र हुआ कि साहब फलां साहब को मुआशका हो गया है या क्या हुआ है। हम लोग इस पर बहुत झेपते थे क्योंकि जाहिर है कि इसका जिक्र नहीं होता था। उनकी कैफियत ऐसी थी कि उन्होंने एक मर्तबा, और वो जाते नहीं थे फिल्म मगर सब सुना हुआ था, और बड़े जहीन आदमी थे सब जाते। एक मर्तबा उन्होंने ताली बजाई और कहा कि जब इश्क किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, और क्या बंदे से पर्दा करना। और ये कह के उन्होंने एक जोर का कहकहा लगाया, उनका बेटा तुम जब उससे छिपा नहीं सकते हो तो हम लोगों से क्या। अब हम ये सब देख रहे, हमारे मालूम हुआ कि जैसे समझ में नहीं आता था कि किस तरफ देखें, चूंकि हमारे बुजुर्ग भी थे वो, और ये सब बातें उस जमाने में बड़ी, यानी इसका जिक्र नहीं किया जाता था कहीं, कोई इश्क का लफ्ज ही नहीं होता था। इश्क का लफ्ज सिर्फ हमारे यहाँ एक चुटकुला है, हम आपको सुना दें। हमारे वालिद ने किले में अपने एक चौकीदार से कहा कि महलसरा में की तरफ जाओ, महलसरा में सब औरतें होती थी, कि जाओ महलसरा जाओ, वहां आवाज दो और पूछो कि विक्स है या नहीं है, विक्स की दवा है, विक्स विक्स की दवा। तो उन्होंने जाके वहां आवाज दी साजिद चौकदार ने। जब वो आई पेश खिदमत तो उससे कहा कि सरकार इश्क की दवा मांग रहे, ये बहुत जबरदस्त। उस औरत ने इनकार किया, उसने मैं जाके नहीं किसी से कह सकती हूँ कि सरकार क्या मांग रहे हैं, मैं नहीं कह सकती हूँ, लिखवा के लाओ तुम, मैं नहीं कह सकती। ये अखबार कह आपको, तो ये इस हद तक के था कि ये सब नाम वाम नहीं लिया जाता। मगर वो मोहे पनघट पर नंदलाल वगैरह वगैरह, अब ये जनाब इसके फिर ये सब। तो अब मुख्तसरन ये कि अच्छा अनुराधा मैंने देखी, चौदहवीं का चांद देखा, पाकीजा देखा, और मेरे खानदान वालों ने भी पाकीजा देखा, यानी मेरी बहुत करीब के बुजुर्गों ने, और मुगल आजम भी देखा। बहुत बाद में फिर उमराव जान अदा गमन, उसका कुछ हिस्सा महमूदाबाद में शूट हुआ है वो, मगर ज्यादा उमराव जान अदा। अब फर्क बहुत आ गया। देखिए जदीद गजल भी बहुत अच्छी गजल है, मगर हम मुझे बचपने से इस कदर घुट्टी में असातिजा की गजलें पिला दी गई थी कि आगे जो और अशारा हैं उनके यहाँ नक्स और ऐब नजर आते थे, मगर उनको जैसे वक्त गया वो मैंने उनको भुला दिया या उनके ऊपर पर्दा डाल दिया। अब मिसाल के तौर पर इस पर एतराज था शेर पर मेरे तालीख को, कहीं है हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में, के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नया। उन्होंने कहा ये सजदे तड़पना जमीन है, ये क्या है वगैरह वगैरह। खैर एक ये बात की, हालांकि इकबाल को वो जानते थे और बड़ी तारीफ करते थे, इकबाल के बहुत से कलाम की बड़ी तारीफ करते थे, और एक शेर जो उन्होंने मुझे सुनाया था वो इतना मुझे पसंद आया, उन्होंने उसकी तफसील बताई थी कि
मैं अभी बताता हूं आपको, मैं दूसरी बात करूंगा, मुझे याद आ जाएगा। ये फैजान नजर था, मैं उस वक्त पूरी तरह से समझा नहीं था, मगर उन्होंने समझाया और जैसा जैसा मैं बढ़ा वैसे ये फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, उस वक्त समझ में नहीं आया। जरा सा जो एक लफ्ज जिससे खास चढ़ थी मेरे अतालीक को, बोरियत, इस कदर उनके चेहरे पर एक गुस्सा सा आ जाता तो कोई कहता था बोर हो गया, क्या हुआ, ये क्या चीज हुई, बोरियत। हाँ यहां लोग उस जमाने बहुत बोर हो, बोर क्या चीज, ये क्या चीज है। तो खैर, तो मुझे उस वक्त एक किस्म की बोरियत महसूस हुई आज की जबान, मगर उन्होंने उसको बाद में समझाया जो जो मेरे समझ में आया। बहुत से और बहुत से यानी इकबाल के बहुत सुनाते, मैं कहां तक सुनाऊं, किसी जगह और किसी वक्त और। अब देखिए फैज का, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ गुलशन। तो कहने लगे मैं आपसे, ये तो इसमें तो बहुत ही जम का पहलू है। मैं समझानी कि जम का मेरी बुरी बात है, मैं समझानी तो उनका ये सब गुलशन का कारोबार क्या है, चौक वॉक में होता है, आप समझे, तो आप लोग समझेंगे और बहुत से लोग समझेंगे और जो नहीं है वो समझाएं लोगों को कि कुछ। हालांकि फैज का बहुत अच्छा शेर, मगर वो कहीं और ले गए उसको, कैसे गुलशन का कारोबार क्या है। अब बहुत अच्छी गजल है उनकी। अच्छा, फैज को बाद में हमसे मुलाकात हुई, फैज की बहुत बाद, उनकी जिंदगी के आखिरी अय्याम में मेरे वालिद की मुलाकात बहुत पुरानी थी उनसे, वो बहुत एक दूसरे को पसंद करते थे नजरियाती एतबार से भी, यानी उनका जो दृष्टिकोण था, यूं कहूं जो उनका नजरिया था, बहुत करीब था मेरे वालिद से, अलग भी था थोड़ा मगर बहुत। तो साहिर की मूवीज के सिलसिले में ये चीज, ये तो आपको हमने अपना कुछ मूवीज वगैरह का बताया कि ये जो तरक्की पसंद मूवमेंट चला है इसमें आप किससे मुतासिर हुए, इसमें द्वारा हुआ था वाले, इसमें देखिए एक तो तरक्की पसंद अदब का जिक्र हमारे यहाँ नहीं होता था, इसलिए नहीं कि हम तरक्की पसंदी या पसंदों के खिलाफ थे, नहीं ये बात नहीं थी, बात ये थी कि इख्तलाफ इस बात पर था कि अदब को कोई जामा किसी तरह का पहनाया जाए और उस जामे के या उस जो ढांचा है उसके अंदर वो काम करे, यानी कोई इसकी गाइडलाइंस हो। मैक्सिम गोर्की ने यही चीज रूस में रशियन लिटरेचर सोशलिस्ट रियलिज्म के तहत में की थी, जिसका बहुत पसंद की गई और बहुत सख्त इख्तलाफ हुआ उससे। अब ये सब तारीख है, कहां तक इसमें हम जाएं, वही जमाना यहां था। यहां उस जमाने में लोगों के जो ख्वाब थे वो बड़े हसीन थे, और वो ख्वाब ये थे कि रूस में जैसे इंकलाब आया है उसी तरह की कोई चीज यहां भी आ जाए, और ये सब ऊंच नीच फर्क, ये
और ये मेहनत कश ज़हमत कश तबका जो है इसकी ये हालत है। अब मैंने तो उस जमाने में पढ़ा नहीं, मगर बाद में मैंने पढ़ा, मुझे बहुत पसंद भी आया, क्योंकि जो बुनियाद थी देखिए वो वही थी, क्योंकि घर में जिक्र हजरत अली का होता था, उसके बाद जिक्र होता था जुल्म का, गरीबों का, मेहनत कशों का वगैरह वगैरह, ये बहुत जिक्र होते थे। खुसूसन मेरे वालिद और जो मर्द थे घर के, औरतें भी ये बातें कर रही थी कम, मगर ये बात। तो ये ताज्जुब की बात नहीं है कि ये पसंद और ये इस तरह से साहिर, तो साहिर का मिसाल के तौर पर वो बहुत ही मशहूर है कि खबर नहीं कि बला खाना है सलासिल में तेरी हयात सितम आशना पर क्या गुजरी, खबर नहीं कि निगारे सहर की हसरत में तमाम रात चरागे वफा पर क्या गुजरी। मगर वो देख, अब कुछ और है बीच में मगर मुझे याद नहीं है, मगर वो देख उफुक पर गुबार सा उठा, वो तेरे सुर्ख जवानों के राहवार आए, नजर उठा कि वो तेरी जमीन के मेहनत कश गले से कोहना गुलामी के तौक उतारा। तो इससे बड़ा असर, अब ये अब उस वक्त नहीं था, लल्लन साहब जिंदा थे मगर मैं इंग्लैंड में था, अब्बा को मैंने सुनाया, कहा हाँ अच्छा कहा है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा। और खुद मेरे वालिद बहुत लेफ्ट की तरफ उनका रुझू था, उनकी एक तस्वीर है यहाँ, ये हम लोग बैठे हैं कैसर बाग में, यहाँ एक करीब सफेद बारादरी है बहुत मशहूर है, उसमें जो सदर हैं तालुकदारों के उनके कमरे में एक तस्वीर लगी, जहां तक मुझे याद है सन 50 या 51 की है, और सारे तालुकदार उसमें अपने लिबास फाखरा लिबास जर्री पहन के खड़े हैं, एक से एक कलगियां, एक से एक हार, क्या कहते हैं तुर्रे, जीगे, ये सब मुहावरे हैं, ये सब पहने हुए। एक शख्स है जो एक नहायत ही बेतुकी सी शेरवानी पहने खड़ा, जिसके ऊपर का तो ये जो है वो बंद नहीं है, ये गुलू वो बंद नहीं है, खुला हुआ है, और बर का पैजामा यानी चौड़ी मोरी का और चप्पल, वो मेरे वालिद। उसमें सरोजनी, उसमें जहां तक मुझे याद है सरोजनी नायडू हैं, गोविंद वल्लभ पंत खड़े हैं चीफ मिनिस्टर की हैसियत से खड़े हैं, और ये सब खड़े, और मेरे वालिद सामने की रो में खड़े हैं और किसी और तरफ कैमरे की तरफ नहीं देख। मैंने इनसे कहा कि मुझे दे दो नकल, आज तक दी नहीं। ये था बैकग्राउंड, तो फिल्में हों अशार हों, इसका यानी ये जो है वो इसी तरह से पसंद आते थे।